बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है, दैट इज़ अबाउट लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स। पिछले दो लेक्चर में हमने ऑफ पेज एसईओ को स्टडी किया कि लिंक बिल्डिंग क्या होती है, इसके टाइप्स कौन कौन सी हैं और इनमें कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, इस तरह की चीज़ें। ये जो हमारे पिछले दो लेक्चर चलते रहे हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में, वो यही थे। एक तो हमने सबसे पहले लिंक टाइप्स देखा, जिसमें हमने ये देखा कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिंक्स, जिसमें इंटरनल लिंकिंग, इनबाउंड लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग का हमने देखा। जो लिंक बिल्डिंग है, हम उसे बेसिकली आज इनबाउंड लिंकिंग को स्टडी करेंगे इन डिटेल। इंटरनल लिंक्स तो आपके अपने कंट्रोल में, जब चाहें जिस तरह से चाहें अपनी वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज के साथ आप इजीली लिंक कर सकते हैं। आउटबाउंड भी आपने किसी को लिंक देना है, वो भी आपके अपने इख्तियार में है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है हमें, वो होता है इनबाउंड लिंक्स में, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे की वेबसाइट में डालना है और किसी दूसरे की वेबसाइट में हम ऐसे लिंक नहीं डाल सकते। हमें उसकी परमिशन लेनी पड़ती है या उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि वो हमारा लिंक अपनी वेबसाइट में डाले। तो दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट रादर देन इंटरनल एंड आउटबाउंड लिंक्स। तो आज हमने जो देखना है लिंक बिल्डिंग टेक्निक, वो सारे के सारे इनबाउंड लिंक्स की टेक्निक है। फिर उसमें हमने देखा था लिंक पैरामीटर, जिसमें हमने डू फॉलो नो फॉलो को देखा, रेफर नो रेफर नो ओपनर, इन तीन पैरामीटर को हमने इन डिटेल स्टडी किया था कि ये बेसिकली जो बैक लिंक, जो लिंक लगता है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। फिर हमने ये देखा था कि बैक लिंक के एडवांटेज क्या हैं। ये जब भी मैं बैक लिंक की बात करूँगा ना, दिस इट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट इनबाउंड लिंक्स। ये चीज एक ज़हन में रखिएगा आप। फिर हमने ये देखा कि बैक लिंकिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं। उसमें हमने देखा कि दो मेजर एडवांटेजेस हैं बैक लिंक के, दो मेजर एडवांटेजेस। एक तो ये कि हमें डायरेक्ट ट्रैफिक मिल जाती है उन बैक लिंक के थ्रू, और दूसरा ये कि एसईओ में रैंकिंग हमारी बढ़ जाती है, एसईओ स्कोर बढ़ जाता है। फिर हमने देखा था कि जो आउटबाउंड बैक लिंक है, जो हमने किसी को देने हैं, उसमें एक चीज ये है कि अगर 100% ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसको हम बैक लिंक दे रहे हैं, तो आपने रिलेशन नो ओपनर लगाना है। ये तो हर किसी के साथ लगाना है, आंखें बंद करके लगाएं। दूसरा है कि अगर वेबसाइट के ऑथेंटिसिटी के बारे में आपको नहीं श्योर, तो उसे नो फॉलो भी कर दें। नो फॉलो नो ओपनर, ये वाला रिलेशन ऐड करना है लाजमी। ये वर्डप्रेस में भी होता है, कस्टम साइट्स में भी होता है, हर एडिटर के अंदर होता है ये वाला। ठीक है, इसमें देखते हैं कि इसमें है या नहीं है, मुझे नहीं एग्जैक्टली आइडिया, लेकिन लेट्स सी। इसको अगर मैं देखता हूँ http://google.com, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ गूगल टारगेट, इसमें आ रहा है न्यू विंडो, ओके कर दिया। अब इसको देखते हैं, नहीं इसमें नहीं है। अदरवाइज आप वर्डप्रेस में जाएंगे तो वो यहाँ पे एडवांस सेटिंग की ऑप्शन देता है, उस एडवांस सेटिंग के अंदर आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। चलिए जी, हम इसका लिंक ब्रेक कर देते हैं। अच्छा जी, फिर हमने देखा था देर आर फाइव टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, पांच तरीके हैं अपने ट्रैफिक को गेन करने के। सबसे जो बेस्ट मेथड है, दैट इज ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जो कि गूगल से ज्यादातर आती है, जो कि 90% ऑफ द टोटल ट्रैफिक होती है। यानी कि अगर हमारे पास 1000 विजिटर हैं, तो उसमें से 900 विजिटर तो सिर्फ सर्च इंजन से आ रहे होते हैं। फिर पेड ट्रैफिक है, जो कि सर्च इंजन मार्केटिंग से आती है। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जो फेसबुक इंस्टाग्राम इस तरह की वेबसाइट से आती है। फिर रेफरल ट्रैफिक है, जो कि रेफर्ड होते हैं किसी और वेबसाइट से, जहाँ पे हमारा बैक लिंक दिया है वहाँ से भी रेफर्ड हो सकते हैं। डायरेक्ट ट्रैफिक, जो डायरेक्ट यूआरएल लिख कर ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ब्रांड ट्रैफिक होती है। ठीक है, फिर व्हाट इज एंकर टेक्स्ट, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट था जो हमने इन डिटेल स्टडी किया था कि डाइवर्सिटी क्या है एंकर टेक्स्ट में, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल्स देकर समझाया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नेचुरल लिंक बिल्डिंग करनी है, तो आपको एंकर टेक्स्ट के डाइवर्सिटी के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। फिर हमने देखा था कुछ नेकेड लिंक भी होते हैं इस तरह, जैसे ये लिंक नंबर 12 है, इसमें कोई एंकर टेक्स्ट नहीं है। फिर हमने देखा था एसईओ के तीन टाइप्स हैं, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। और ये चीज मैंने आपको बता दिया था कि व्हाइट हैट एसईओ डज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में या तो ब्लैक हैट है या ग्रे हैट है, लेकिन हमने जो करनी है वो हमने ग्रे हैट करनी है। ग्रे हैट में बेसिकली हम व्हाइट हैट ही करना चाहते हैं, लेकिन व्हाइट हैट पॉसिबल नहीं है, तो हम
व्हाइट के करीब करीब रहते हैं, लाइट ग्रे के में, ठीक है, लाइट ग्रे हैट। एसईओ का ये मतलब है, जैसे कि लिंक बिल्डिंग है, गूगल ये कहता है कि भाई आपने अपनी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग नहीं करनी, लेकिन हमें करनी पड़ती है, वरना उसके बगैर तो हमारी रैंकिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्रे हैट में आता है, ठीक है। इसकी मैंने बड़ी डिटेल में एग्जाम्पल्स दी थी आपको। फिर ये भी बताया था कि गूगल जो है वो क्वालिटी पर फोकस करता है, क्वांटिटी पर फोकस नहीं करता। तो क्वालिटी लिंक बिल्डिंग करनी है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना आपने, ठीक है। अब क्वालिटी लिंक बिल्डिंग के लिए क्या पैरामीटर थे, ये तीन पैरामीटर थे जो मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया था, कि एक तो ये कि रेलेवेंसी होनी चाहिए कंटेंट के अंदर, फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक होनी चाहिए उस वेबसाइट के ऊपर, फिर उसमें बहुत ज्यादा आउटबाउंड लिंक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये तीन अगर किसी भी चीज पर फुलफिल होते हैं तो हम उस वेबसाइट से बैकलिंक ले सकते हैं। इसीलिए फिर मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर को प्रायोरिटी देते हैं, बैकलिंक लेते हैं, बट आई डोंट केयर अबाउट दीज पैरामीटर वाइल टेकिंग अ बैकलिंक, कि अगर उस वेबसाइट का डीए क्या है, पीए क्या है, डजंट मैटर, स्पैम स्कोर कम है ज्यादा है मैं फोकस नहीं करता, उसका साइटेशन फ्लो, ट्रस्ट फ्लो अच्छा है बुरा है, आई डैम केयर, उसका डीआर आरडीज क्या है, आई डैम केयर, उसका एलेक्सा रैंक क्या है क्या नहीं, आई डैम केयर। देर आर सो मैनी अदर पैरामीटर्स जो लोग देख रहे होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन्हीं तीन पैरामीटर को देखता हूँ। अगर वो रेलिवेंसी एग्जिस्ट करती है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक उस वेबसाइट के ऊपर एग्जिस्ट करती है, और उस लिंक से कोई बहुत ज्यादा आउटबाउंड लिंक नहीं है, तो इट्स मीन दिस इज गुड इनफ फॉर मी, ठीक है। और ट्रैफिक कैसे चेक करते हैं, वो ऊपर से, रेलिवेंसी तो आप खुद अपने माइंड से चेक कर लेते हैं ना, कॉन्टेंट से पता चल जाता है आइदर दिस इज रेलिवेंट रिलेटेड टू द योर वेबसाइट और नॉट, लेकिन जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो आप कहाँ से चेक करते हैं, ऊबर से, जस्ट टूल से जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद गुड लिंकिंग डोमेन हमने देखा था, गुड लिंकिंग पेजेस हमने देखा था, ये बड़े डिटेल में हमने स्टडी कर लिया था। ये हमारा ऑफ पेज का यहाँ तक का ओवरव्यू है। अभी हम ऑफ पेज का ही थर्ड लेक्चर है आज, जिसे लिंक बिल्डिंग टेक्निक कहते हैं, कि भाई अब हमने ये देख लिया कि लिंक कैसे होने चाहिए, अब हम ये देखेंगे कि ये लिंक बनते कैसे हैं, कहाँ कहाँ से हमें बैक लिंक मिलते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट कि हमें बैक लिंक कहाँ कहाँ से मिलते हैं। क्वेश्चन है जी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इवेंचुअली कन्वर्ट्स इनटू डायरेक्ट ट्रैफिक बिकॉज पीपल यूजली टेंड टू मेमोराइज आर यूआरएल वंस दे गेट वैल्यू फ्रॉम आर साइट। हाफिज अनस, हाफिज साहब ये जरूरी नहीं होता, बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है, ये सिर्फ उन वेबसाइट के लिए होता है जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे हमारी वेबसाइट ब्रांड नहीं होती तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हाँ, अगर उनके पास नाम याद भी रहेगा ना तो एग्जैक्ट यूआरएल नहीं याद होता, तो वो भी हमारा नाम लिखकर ही गूगल से सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे ऊबर सजेस्ट है, अब लोगों को याद है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऊबर सजेस्ट खोलने के लिए गूगल में ही जाकर ऊबर सजेस्ट लिख रहे होते हैं, ऑल्दो ऊबर सजेस्ट इज अ ब्रांड, ऊबर सजेस्ट को फिर भी बहुत सारे लोग डायरेक्ट सर्च करते हैं, लेकिन इवेंचुअली हमारा टारगेट यही होता है कि हमारी डायरेक्ट ट्रैफिक बनना शुरू हो जाए, ठीक है। डायरेक्ट ट्रैफिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रैंकिंग में आपके डाउन भी होते हैं तो डायरेक्ट ट्रैफिक अगर आपके पास है तो वो आपको हेल्पफुल होती है, लेकिन नॉर्मली लोग ज्यादातर ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर ही डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट ट्रैफिक बन जाए आपकी तो वो ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। फिर आप अगर गूगल किसी वजह से आपको डी रैंक भी कर रहा है किसी अपडेट में, तो आपके पास एक डायरेक्ट ट्रैफिक का सहारा मिल जाता है आपको, लेकिन ये बहुत ना होने के बराबर होती है, मे बी 1000 में से कोई एक या दो बंदे डायरेक्ट ट्रैफिक के थ्रू आते हैं, नॉट मोर देन दैट। क्लियर होगी जी ये बात? इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टार्ट लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स। अच्छा चलें, आप लोग बताएं कि लिंक बिल्डिंग कैसे कैसे की जा सकती है, जिस जिसको जो जो भी पता है बस बोलता जाए कि लिंक बिल्डिंग को कैसे कैसे किया जा सकता है, हाउ वी कैन बिल्ड द बैक लिंक्स, बैक लिंक कैसे बनाए जा सकते हैं, लिंक शेयरिंग कहाँ पर, ओके जी, गेस्ट पोस्टिंग, ब्लॉग कमेंटिंग, V2043, आप अपना नाम रीनेम करें खुद को, मुझे आपका नाम नहीं समझ लगता। ओके, गेस्ट पोस्टिंग आ गया, ब्लॉग कमेंटिंग आ गया, प्रोफाइल लिंक्स आ गया,
ओके, वेब 2.0 आ गया, लिंक शेयरिंग आ गया, फोरम, बैकलिंक्स। ओके ओके हमजा, फोरम बैकलिंक्स हो गया। इसके अलावा क्या? सोशल मीडिया। ओके, इसके अलावा जल्दी से बोलते जाएं बस, फिर हम इन सबको वन बाय वन स्टडी करेंगे। आर्टिकल सबमिशन हो गया, क्लासिफाइड लिंक्स या एड्स पोस्टिंग कह लें, इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक का बैकलिंक से कैसे? नासिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इन्फोग्राफिक से बैकलिंक कैसे लेंगे? ब्लॉगर कॉन्टैक्ट से कैसे बैकलिंक बनेगा? चलें हम लिख लेते हैं, बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अगर आपको सहराश, अगर आपको कोई आइडिया है ब्लॉगर कॉन्टैक्ट का, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट ब्लॉगर कॉन्टैक्ट इमेजेस। ओके मुनज़ा, आप भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, हाउ टू गेट द बैकलिंक फ्रॉम इमेजेस, या इसका क्या मतलब है इमेजेस बैकलिंक का? ओके, डॉक्यूमेंट सबमिशन। ओके, इसके अलावा और कोई है आपके माइंड में तो जल्दी से बताते चले जाएं मुझे। अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने नहीं मुझे बताए। 301 रीडायरेक्ट लिंक्स, पॉडकास्ट। ओके सर, इमेजेस से बैकलिंक लेना। ओके, इमेजेस से भी बैकलिंक मिल जाते हैं, CZ3 आपका भी पता नहीं क्या नाम है। लिंक पिंटरेस्ट पर इमेजेस होती हैं, उनसे बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर जी, ठीक है मनोजा, लेकिन इमेज बैकलिंक एक और होता है रिवर्स इमेज, वो बड़ी मजे की चीज है, इमेज बैकलिंक कहते हैं उसे भी, वो भी आई विल एक्सप्लेन दैट। बाय सेंडिंग ईमेल्स टू ब्लॉगर्स एंड पब्लिशर्स फॉर लिंक्स। ओके, बट वाई दे विल, हाउ दे विल, कोई ना कोई तो होगा ना, PBM। यस ओके, एनीवन एल्स? इसके अलावा कोई मेथड, कोई टेक्निक है, किसी को आइडिया है उसका? लिंक्स फ्रॉम क्वेश्चंस बेस्ड वेबसाइट्स। यस, फोरम उसे कहते हैं बेसिकली, क्वेश्चन बेस्ड वेबसाइट फोरम ही होती हैं, लेकिन हम लिख लेते हैं क्वेश्चन बेस्ड साइट्स। ओके, इसके अलावा चलें हम वन बाय वन पढ़ना। ब्लॉग कमेंट्स हो गया, ये मैंने लिख लिया है, फ्रॉम रेलेवेंट वेबसाइट। ओके, प्रोफाइल बैकलिंक भी मैंने लिख लिया है। ओके, प्रोफाइल लिखा है ना, हाँ, प्रोफाइल लिंक्स। यस, चलें लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस। अच्छा, सबसे अच्छा जो बैकलिंक मुझे लगता है ना, दैट इज गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग बाई चेकिंग आवर कंपटीटर्स बैकलिंक सोर्स एंड आस्किंग देम टू गिव अस, जी रोट अ बेटर ब्लॉग। यस यस यस, चलें जी ये भी लिख लेते हैं, कंपटीटर एनालिसिस से। ओके चलें जी, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे जो बेस्ट टेक्निक मुझे लगती है ना, सबसे बेस्ट, दैट इज गेस्ट पोस्टिंग। अब गेस्ट पोस्टिंग करें, लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लिख के दें। देखें, हमेशा दुनिया में ना एक असूल चलता है गिव एंड टेक का, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को कोई बेनिफिट ना दें और वही आपको बेनिफिट देता रहे। देखें, आप उससे क्या बेनिफिट ले रहे हैं? आप उससे बैक लिंक ले रहे हैं बेनिफिट की शक्ल में, ठीक है? तो आपको भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना उसे, तो आप उसे बैकलिंक लेने के लिए क्या चीज दे रहे हैं? यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड कंटेंट। आप उसे कंटेंट दे रहे हैं जो अच्छा, वेल रिसर्च कंटेंट होगा, जो उसके ब्लॉग को रैंक करने में हेल्प आउट कर रहा है, और उसी के अगेंस्ट आप उससे एक बैकलिंक ले रहे हैं। तो ये गिव एंड टेक है। अब चीज ये है कि गेस्ट पोस्टिंग जो होती है ना, ये फ्री भी होती है और पेड भी होती है। ये फ्री में भी मिलते हैं और खरीदे भी जा सकते हैं।
अगर तो वेबसाइट है नॉर्मल, वो आपको फ्री में कंटेंट दे देते हैं, लेकिन अगर कोई वेबसाइट है बहुत हाई क्वालिटी की, तो वो कभी भी फ्री में बैकलिंक नहीं देती, वो हमेशा खरीदने पड़ते हैं। अच्छा, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमें ये वेबसाइट गेस्ट पोस्ट दे रही है या नहीं दे रही? हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस वेबसाइट से बैकलिंक ले सकते हैं या नहीं ले सकते? चलें जी, आप लोगों को गूगल ऑपरेटर आते हैं, सर्च ऑपरेटर? जल्दी से बताएं, गूगल सर्च ऑपरेटर आते हैं या नहीं आते? आते हैं, एक, ओके, यस यस, गुड, यस, नो, माउस बार का उससे क्या ताल्लुक यार, मैं सर्च ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। नो, यस यस, नो नो नो, यानी कि 50-50 चल रहा है। यस यस, चलें थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, 2 मिनट लगा के। ये गूगल है, गूगल में ना कुछ कमांड्स होती हैं जिनके लिखने से ना गूगल अपना सर्च बिहेवियर चेंज करता है। गूगल उसके लिखने से अपना सर्च बिहेवियर चेंज करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं लिखूं आई एम इंजीनियर गुलाम अब्बास, मैं सर्च करता हूं सिंपल, देखें गूगल के पास 53 रिजल्ट्स हैं आई एम इंजीनियर गुलाम अब्बास पे। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट आई एम इंजीनियर गुलाम अब्बास कितनी वेबसाइट्स में है, यही वाली स्टेटमेंट, तो मैं इसमें क्या करूंगा, डबल इन्वर्टेड कोमास लगा दूंगा। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमास में जब लगाऊंगा ना, तो देखेगा ये सिर्फ वो वेबसाइट मुझे निकाल के देगा जिसमें एग्जैक्ट इसी तरह से आई एम इंजीनियर गुलाम अब्बास लिखा होगा। अभी देखें 53 रिजल्ट है ना, अब देखेगा कितने आते हैं, जस्ट वन। इसका मतलब ये कि सिर्फ एक ऐसा लिंक है जिसके अंदर एग्जैक्टली यही वर्ड लिखा हुआ है पूरी इंटरनेट की दुनिया में। इसको हम खोल के देखते हैं, ये कोई फाइवर का लिंक है, लेट्स सी। इसको सर्च करते हैं, आई एम बस, अच्छा ये कोई और खुल गया, अच्छा नहीं जी, ये लिंक भी डिलीट हो गया और रिडायरेक्शन लग गई है। ये देखें, अब यहाँ पे इस जगह पे देखिएगा, मेरा कर्सर नजर आ रहा है, इस जगह पर लिंक नजर आएगा इस, जब मैं इस पे, अब देखें नजर आ रहा है, fiverr.com/abbas004/do-video-animation-and-editing। ये कोई बंदा होगा जिसका नाम अब्बास है और उसने अपनी कोई गिग बनाई होगी, उसके अंदर ये उसने लिखा हुआ है आई एम। अच्छा हाँ, इसका एक और हल है, हम इसके कैशे में जाते हैं, यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे हम, अच्छा ये खुला कैसे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 डॉट होते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ, सॉरी, इसके कैसे काम, अच्छा इसके पास कैशे भी अवेलेबल नहीं है इस लिंक पे, वरना यहाँ पर क्लिक करने से ना ये हमें कैशे दे देता है इसके। अच्छा चलें कोई और सर्च करते हैं, चलें इसके कैशे नहीं आ रही और ये लिंक डिलीट हुआ। वैसे ये देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है उसने ना, आई एम इंजीनियर गुलाम अब्बास, अ प्रोफेशनल डाटा एंट्री एंड आई हैव डन वर्क फॉर 20+ कंपनीज, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा चलें चलें हम देखते हैं इंजीनियर गुलाम अब्बास, अच्छा पहले वैसे सर्च कर लेते हैं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। देखें यहाँ पे इंजीनियर गुलाम अब्बास के 62 रिजल्ट हैं। अब अगर मैं ये देखना चाहूँ कि एग्जैक्ट कहाँ,
कितनी वेबसाइट में लिखा हो। तो 62 के बजाय 45 वेबसाइट ऐसी हैं जिनमें एग्जैक्ट इंजीनियर गुलाम अब्बास का वार्ड लिखा हुआ है। अब अगर यहीं पे 45 है, मैं लिख देता हूँ इस तरह से इंजीनियर गुलाम अब्बास कहाँ लिखा हुआ है, वो भी 45 वेबसाइट्स में लिखा हुआ है। ओके, अब मेन चीज ये होती है कि डबल इन्वर्टेड कोमास का क्या मतलब है गूगल में, कि एज इट इज अ टेक्स्ट कितनी वेबसाइट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर मैं इस तरफ बात करूँ गुलाम अब्बास की, तो गुलाम अब्बास के ऊपर टोटल कितनी वेबसाइट्स हैं, लेट्स सी, देयर आर 4 मिलियन रिजल्ट है गूगल के पास सिर्फ गुलाम अब्बास के नाम के ऊपर। अब मैं डबल इन्वर्टेड कोमास करता हूं तो देखिएगा ये 4 मिलियन से कितने कम रह जाएंगे, अभी भी 699, यानी कि तकरीबन 0.7 मिलियन, ठीक है, फिर भी यानी कि ये सर्च ऑपरेटर का काम होता है कि एग्जैक्ट वर्ड ढूंढना। अच्छा, फिर इसके साथ एक होता है कि भाई वो एग्जैक्ट वर्ड किस में ढूंढना है, यूआरएल में, टाइटल में, जैसे मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, अभी गुलाम अब्बास बेसिकली 7 लाख दफा था ना, मैं देखता हूँ इन टाइटल गुलाम अब्बास कितनी दफा, यानी कि कितनी वेबसाइट के टाइटल में गुलाम अब्बास लिखा हुआ, सिर्फ 91 वेबसाइट के। मैं देखता हूँ गुलाम अब्बास का वर्ड यूआरएल में कितनी दफा आया, कितनी वेबसाइट के यूआरएल में गुलाम अब्बास का वर्ड है, 80 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके यूआरएल में गुलाम अब्बास का वर्ड एग्जिस्ट करता है। जैसे ये देखें, ये रहा गुलाम अब्बास, ठीक है, ये अब कोई भी इसमें खोल लें, अब ये सेकंड वाले खोल लें, थर्ड वाले खोल लें, अब इसमें इनके यूआरएल में ये देखें गुलाम अब्बास, गुलाम अब्बास, ठीक है, एज इट इज गुलाम अब्बास। अब देखें एमडी भी है, मैं एमडी के साथ भी सर्च करके देखता हूँ। अब देखें गुलाम अब्बास जो एग्जैक्ट है ना वो 80 वेबसाइट्स में, अगर मैं आगे एमडी लिख दूं वो देखते हैं कितने गुलाम अब्बास एमडी, वो देखते हैं अब ये टोटल कितनी वेबसाइट्स में एग्जिस्ट करता है। अब देखें टोटल 30 रह गई हैं आप, ठीक है, ओके। अब अगर मैं ये देखूं कि यूआरएल में इंजीनियर गुलाम अब्बास कितनी उसमें है, तो मैं यहाँ पे इंजीनियर गुलाम अब्बास पे लिख देता हूँ। देखें टोटल 9 रिजल्ट हैं जिसके लिंक में ये देखें आप देख सकते हैं इंजीनियर गुलाम अब्बास, ये आप यहाँ से यूआरएल भी पढ़ सकते हैं, इंजीनियर गुलाम अब्बास, इंजीनियर गुलाम अब्बास, इंजीनियर गुलाम अब्बास, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ लग सकते हैं। ये कोई वीडियो है, अच्छा ये हमारे ही पेज की वीडियो है, ठीक है, अब यहाँ से इंजीनियर गुलाम अब्बास, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल जाता है कि ये जो इसे है ना हम सर्च ऑपरेटर्स कहते हैं, जैसे इन यूआरएल भी सर्च ऑपरेटर है। अब बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि भाई कितने लोग हैं जो हमें गेस्ट पोस्टिंग दे सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा इन यूआरएल लिख कर मैं लिखूंगा गेस्ट। अच्छा, तो पहले मैं आपको इन टाइटल कर देता हूँ, टाइटल में राइट फॉर अस, ठीक है। अब देखो 6530 वेबसाइट ऐसी हैं जो राइट फॉर अस का ऑप्शन दे रही हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। अच्छा, मैं कंप्यूटर नहीं लिखता, मैं देखता हूँ कि कितनी वेबसाइट हैं जो मुझे ये ऑप्शन दे रही हैं राइट फॉर अस कि हमारे लिए आर्टिकल लिखें। 41,300 वेबसाइट ऐसी हैं जो हमें कह रहे हैं भाई हमारे लिए लिखें, लेकिन मुझे ये तो अपने से रिलेटेड वेबसाइट चाहिए ना सिर्फ, बाकी तो नहीं चाहिए, बाकी तो नहीं चाहिए ना, ओके। अब बाकी मुझे चूंकि नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ अपने से रिलेटेड लिखूंगा। मेरी वेबसाइट फॉर एग्जांपल है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो मैं आगे कंप्यूटर का वर्ड भी ऐड कर दूंगा। अब देखें 6530 वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और वो हमें कह रहे हैं राइट फॉर अस। जैसे मैं पहली ही वेबसाइट खोल लेता हूँ तो उसने ये देखें मुझे computertechreviews.com है इसका, अगर मैं DSA देखूँ तो देखें ये DS61 की वेबसाइट है विच इज़ टू गुड। अब वो कहते हैं कि यस यू कैन राइट फॉर अस, और उसके लिए क्यों लिखना चाहिए। अब हमें हमने ये देखना कि भाई ये कह रहा है कि आप मेरे लिए लिख लें, यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं मुझे लिखने के लिए ना, लेकिन क्या हमें ये बैकलिंक देगा या नहीं, तो हम इसका जाके पढ़ेंगे वाई राइट फॉर कंप्यूटर टेक रिव्यूज। अब देखें हम देखते हैं कि ये क्यों हमसे ये डाटा ले रहा है, हमें भी कोई फायदा होगा या नहीं। वो कहता है इफ यू राइट फॉर अस योर बिजनेस टारगेटेड कस्टमर कैन बी रीडर फॉर आवर ब्लॉग एंड यू कैन हैव मैसिव एक्सपोजर। वो कहता है आपको भी एक्सपोजर मिलेगा, यू कैन ये देखें यू कैन लिंक बैक टू योर वेबसाइट इन आर्टिकल विच शेयर्स SEO वैल्यू टू योर वेबसाइट। भाई वो कहता है कि आप अपने आर्टिकल में जो मेरे लिए लिखोगे बैक लिंक भी दे सकते हो, लिंक बैक टू योर
वेबसाइट अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, और उससे फायदा क्या होगा, उससे आपकी एसईओ वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ लग रही है ये बात? यही मकसद है ना हमारा लिखने का यहाँ पर इस वक्त। तो भाई हमें एक वेबसाइट मिल गई जो हमें कहता है राइट फॉर अस, भाई दूसरी खोलो। अच्छा इस यहाँ पे ना एक लेबर वर्क करना पड़ता है, वो क्या है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरी एक और वेबसाइट है सॉफ्टवेयर टेस्टेड डॉट कॉम के नाम से, वो भी कहता है आप मेरे लिए लिख सकते हो जी, और किन किन टॉपिक पे लिखना है ये हमें बता देता है हर वेबसाइट। देखें उसने भी बताया भाई मैं इन टॉपिक्स पे एक्सेप्ट करूंगा, इसके अलावा किसी और पे नहीं। इसने भी हमें बता दिया कि किन किन वेबसाइट पे एक्सेप्ट करेंगे, वो भी बता दिया, मुख्तलिफ आर्टिकल्स है ना, तो ये उसने आपको बता दिया। फिर वो बता दिया उसने डूज एंड डोंट्स, क्या आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। देखें वो कहते हैं भाई 500 से ज्यादा वर्ड होने चाहिए और मैक्सिमम दो लिंक दे सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं, और कौन कौन से, वन फॉर द होम पेज एंड अदर फॉर द इंटरनल पेज, ठीक है ये भी उसने बता दिया। फिर उसने ये भी बता दिया कि इमेज का कॉपीराइट होना चाहिए आपके पास, ठीक है किसी और की इमेज नहीं उठानी, ठीक है कंटेंट शुड बी हैव सब हेडिंग्स एंड प्रॉपर अलाइनमेंट, ठीक है ये सारी चीजें उसने आपको डिटेल में बता दी, और क्या नहीं करना ये भी उसने बताया। डोंट सेंड आर्टिकल पोस्ट विच हैव बीन पब्लिश्ड एल्सवेयर, यानी कि किसी और का उठा के कॉपी पेस्ट ना कर देना, ठीक है। वो कहता है प्लीज चेक विद द प्लेजरिज्म बिफोर सेंडिंग द आर्टिकल टू अस, ठीक है डोंट सेंड द आर्टिकल पोस्ट विच इज प्रोमोटिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। वो कहता है भाई आपने कमर्शियल आर्टिकल नहीं सेंड करना, प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड प्रमोशन वाला आर्टिकल नहीं सेंड करना, इसका मतलब ये कि कमर्शियल आर्टिकल ना हो, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल हो। व्हेन यू राइट आर्टिकल मेक श्योर इट इज ट्रूली इंफॉर्मेटिव, ये देखना आगे वो यही बता रहा है, ट्रूली इंफॉर्मेटिव एंड नॉन प्रमोशनल, नॉन प्रमोशनल मीन नॉन कमर्शियल। फिर कैसे आर्टिकल सबमिट करना वो भी ये बता रहा है। रिक्वायरमेंट टू सेंड क्या है, आर्टिकल टाइटल एंड बॉडी इन वर्ड डॉक्यूमेंट, और फिर हाई क्वालिटी इमेजेस सेंड करने हैं, फिर आर्टिकल विद वन लिंक इन बॉडी कंटेंट एंड वन इन ऑथर बायो, ठीक है योर सोशल चैनल लिंक्स भी हो करता सेंड, हम वो भी प्रमोट करेंगे। देखिए ये मजे की चीजें हैं, समझ लग रही है, वो सारी डिटेल। अब दूसरी अगर हमने खोलिया वो भी बता रहा है किस किस चीज से रिलेटेड आर्टिकल, और वो ये भी बता रहा है किस तरह के आर्टिकल एक्सेप्ट करेंगे, वो कह रहे हैं जी 600 वर्ड होने चाहिए मिनिमम, लेटेस्ट न्यूज और ट्यूटोरियल और ब्ला ब्ला ब्ला, हु डू वी राइट फॉर, किन के लिए, फिर व्हाट डू वी नीड फ्रॉम यू, क्या क्या चाहिए। वो कहते हैं जी यूनिक अप्रूव्ड आर्टिकल होना चाहिए, 600 वर्ड का होना चाहिए मिनिमम, 100% ग्रामर फ्री होना चाहिए, फिर व्हाट विल यू गेट फ्रॉम वर्किंग विद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। वो कहता है अब हमसे आपको क्या मिलेगा, अब आई एम विद द बायोग्राफी, वो कहते हैं बायोग्राफी देंगे, पर्सनल लिंक और वेबसाइट, सो आर रीडर्स ओके एक्सपर्ट गाइडेंस दिस एक्सपेंडिंग रीच एंड रीडरशिप फॉर योर आर्टिकल इन सोशल मीडिया चैनल, वो कहते देंगे टिप्स एंड गाइड्स उसने लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पढ़कर समझ लगेंगे कि हमारे लिए ये यूजफुल है या नहीं। अब इसका भी अगर आप DA देखें तो दिस इज 34, 34 इज टू गुड टू गेट अ बैक लिंक, ठीक है। अब ये एक hectic-geek.com है, इसको आप ओपन करके देख लें ये क्या कहता है, ये भी आपको सारी डिटेल देगा कि भाई क्या गाइडलाइन है वो बता रहा है, अब किन किन टॉपिक पे एक्सेप्ट करेंगे वो बता रहा है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी बता रहा है, ठीक है। अब इसने पता नहीं क्यों वो लिखा, ठीक है समझ लग गई ये चीजें। अब आपने क्या करना है, अब आपने 10-15 आर्टिकल की, अच्छा अब ये वाला जो आर्ट बैकलिंक है ना ये कौन लोग इजीली गेट कर सकते हैं ये बताएं, सबसे पहले कौन लोग हैं जो इस तरह का बैकलिंक इजीली बना सकते हैं, जल्दी से वट एवर यू थिंक इन योर माइंड यू कैन से, नो मैटर आप सही आंसर दे रहे हैं या गलत आंसर दे रहे हैं, डोंट इवन थिंक अबाउट दिस। कॉन्टेंट राइटर्स ओके, बस सिर्फ मुनज़्ज़ा ने ही मेरा क्वेश्चन सुना है, बाकी किसी ने नहीं सुना। हु टर्न देयर ब्लॉग ओके वर्डप्रेस एस एक्सपर्ट रन ओके, व्हाट एल्स, एस साइट ऑनर, हु आर टेक लवर्स, कंटेंट राइटर, एसईओ राइटर, यस ट्रू, जो कि राइटर्स है ना बेसिकली वो कंटेंट राइटर हैं या एसईओ राइटर्स हैं, वो ये इजीली ले सकते हैं इस तरह का। देखें अगर आपने 10 बैकलिंक लेने हैं तो कम से कम 10 आर्टिकल तो लिखने पड़ेंगे ना भाई, इफ यू आर नॉट द कंटेंट राइटर देन फ्रॉम वेयर यू विल गेट द कंटेंट टू पब्लिश एज ए गेस्ट पोस्ट, फिर आप लोगों को हायर करेंगे, यू विल हैव टू पे फॉर दैट, यू गेटिंग माई पॉइंट।
तो भाई इफ यू आर द कंटेंट राइटर तो आप बड़ी इजीली इस तरह के बैकलिंक ले सकते हैं। और बिलीव मी दिस टाइप ऑफ बैकलिंक इज द बेस्ट काइंड ऑफ बैकलिंक जो आप ले सकते हैं ना। ये सारे नेचुरल बैकलिंक कहलाते हैं जो कि कंटेक्चुअल बैकलिंक होते हैं, यानी कि पूरा आर्टिकल ही आपके बारे में लिखा गया और उसी टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक से रिलेटेड आप बैकलिंक ले रहे हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? सर एफिलिएट मार्केटिंग पर लिखा हुआ कंटेंट प्रमोशनल में आ जाएगा? जी बिल्कुल, वो प्रमोशनल में आ जाएगा। और प्रमोशनल आर्टिकल को लिंक लेने के अलग तरीके होते हैं, दैट आई विल टीच यू, वो बताऊंगा वो भी मैं आपको। ये जो नॉर्मली गेस्ट पोस्टिंग करते हैं ना फ्री वाली स्पेशली, ये ज्यादातर इंफॉर्मेटिव आर्टिकल के लिए होते हैं, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल के लिए, नॉन कमर्शियल के लिए। तो ये चीज समझ लगे। अच्छा अब एक चीज मेरे जहन अपने जहन में रखिएगा, इस तरह के बैकलिंक के लिए ना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता आप कहें जी मैंने 10 लोगों को ईमेल किया उन्होंने रिप्लाई नहीं किया या उन्होंने रिफ्यूज कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। भाई 10 इज नॉट इनफ। इसमें सक्सेस रेशियो जो होगी दैट वुड बी अराउंड 1-2%, जस्ट 2%, नॉट मोर देन दैट। कि अगर आपने 100 लोगों को अप्रोच किया तो शायद कोई एक या दो या मैक्सिमम 3 लोग आपका आर्टिकल पब्लिश करेंगे, बाकी 97-98% लोग रिजेक्ट कर देंगे। भाई अगर ये 6,000 पेजेस हैं, इनमें से अगर मैं 5,000 को अप्रोच करता हूं और सिर्फ 2% मुझे आर्टिकल देते हैं, सिर्फ 2%, 100 में से 2 का मतलब ये है कि 1,000 में से 20, 1,000 में से 20 का मतलब ये 5,000 में से 100 गेस्ट पोस्ट ब्लॉक में। बिलीव मी अगर 10 अच्छी गेस्ट पोस्ट भी आपको लिंक मिल जाए ना तो दिस इज इनफ, बहुत मजे की चीज है, फ्री में वो भी, और ये मुफ्त में मिल रहे हैं आपको। और देखें अगर आपको कंप्यूटर टेक रिव्यू से एक भी बैकलिंक मिल जाता है ना तो दिस इज टू गुड। अब इसकी जो ट्रैफिक है ना, अब मैं अगर देखूं इसका कीवर्ड एवरीवेयर से, इसके पास अच्छी ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगी आई होप। कैसे चेक करेंगे इसके लिए? हम ओपन करते हैं, इसका कॉपी करते हैं, ऊबर सजेस्ट में जाते हैं, ट्रैफिक में जाते हैं, ट्रैफिक ओवरव्यू में जाते हैं। यहाँ पे तो भाई अभी लॉगिन ना करें कोई बंदा। अब एक तो ऊबर सजेस्ट ने ना ये एक बड़ा प्रॉब्लम कर दिया, पहले मल्टीपल यूजर्स चलते थे, अब अगर कोई और लॉगिन करते मेरा अकाउंट तो मैं ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाऊंगा। चलें बहरहाल आप खुद चेक कर सकते हैं, आपको ये तरीका मैंने इन डिटेल बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि आप लॉगिन करें, यहाँ पे ट्रैफिक स्टैट्स में डालें और ट्रैफिक को एनालाइज कर लें। ट्रैफिक एनालाइज इसको डालते हैं तो इनको चेक कर लेते हैं अभी। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसकी वैसे इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल दिस इज गुड इनफ, जस्ट 7-8,000 है, लेकिन 7-8,000 भी ओके फाइन, हमें एक बैकलिंक तो मिल रहा है मुफ्त में, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर टेस्टेड वाली वेबसाइट को चेक करूँ तो देखते हैं इसके पास कितने ट्रैफिक हैं। एक चीज और आपको मैं यहां से बताता हूँ, यस इसके पास देखें तकरीबन 1.5 लाख, देखें पहले वाले के पास तकरीबन 7-8,000 ट्रैफिक थी। देखते हैं अब, देखें जो डीए की बात करते हैं ना वो देखें, इसका डीए क्या है 61 है ना, और इसकी ट्रैफिक कितनी थी? सिर्फ 7-8 हजार। और इसका डीए देखें क्या है 34, और इसकी ट्रैफिक कितनी है? तकरीबन 1.5 लाख। तो भाई मेरे लिए ये 34 डीए वाली वेबसाइट अच्छी है या 61 डीए वाली वेबसाइट अच्छी है? जल्दी से बताएं आपकी नजर में कौन सी वेबसाइट अच्छी होगी, 61 डीए वाली या 34 डीए वाली? इस वक्त 34 डीए वाली वेबसाइट अच्छी है। भाई मुझे डजंट मैटर कि 61 डीए वाली दे रही है, मैंने ये देखना लाइव ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक किसके पास ज्यादा है, वो भाई 34 डीए वाली है। मैं तो इसी को ज्यादा प्रेफर करूंगा सॉफ्टवेयर टेस्टेड को एज कंपेयर टू
computertechreviews.com से, ठीक है। इसने इसका डीए तो ज्यादा है लेकिन ट्रैफिक अच्छी नहीं है, तो ये चीज आपको समझ लगे। अगर आप गेस्ट पोस्ट बैकलिंक लेना शुरू कर दें, इफ यू आर द राइटर, जो कि आप बड़े इजीली ले सकते हैं अगर आप राइटर हैं, तो बिलीव मी इससे अच्छा बैकलिंक कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जिस पेज से बैकलिंक लेना है ना, आप उसी पेज से रिलेटेड ही कंटेंट लिखेंगे और उसी में बड़ा अच्छे तरीके से अपना आर्टिकल को, अपने बैकलिंक को एम्बेड करेंगे, जो कि बिल्कुल नेचुरल लगेगा, आर्टिफिशियल नहीं लगेगा। क्लियर हुई मेरी बात, समझ लगी? अब आपको ये पता चल गया कि आपने ऐसी वेबसाइट कैसे निकालनी है जो फ्री में गेस्ट पोस्ट दे रहे हैं। सर्च ऑपरेटर का यूज करना है, सिंपल सी बात है भाई, इन टाइटल जाके लिखें राइट फॉर अस, यानी कि ऐसी वेबसाइट निकाल के दे दे जिनके टाइटल में ये लिखा हुआ है कि राइट फॉर अस, यानी कि मेरे लिए लिखो, और कंप्यूटर से रिलेटेड वो वेबसाइट होनी चाहिए। मैंने कंप्यूटर, अच्छा जरूरी नहीं है राइट फॉर अस का ही वर्ड हो, इसके अलावा वो भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि फ्री गेस्ट पोस्ट, फ्री गेस्ट पोस्ट के ऊपर भी आप देख सकते हैं कुछ निकल आए। ओके, उसके अलावा कुछ और कीवर्ड लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं, राइट फॉर मी, ठीक है, इसके ऊपर भी 54 मिल गई, ठीक है, और कुछ और लिख के भी सर्च कर सकते हैं, और क्या क्या लिख के सर्च किया जा सकता है। यस, राइट फॉर अस इज मोस्टली यूज्ड, लेकिन बाकी की चीजें भी तो हम कवर कर सकते हैं ना। गेट फ्री पब्लिश फ्री ब्लॉग, नहीं ये कोई भी यूज नहीं करता, ज्यादातर राइट फॉर अस ही होता है वैसे, राइट फॉर अस, ठीक है। ओके, अच्छा चलें जी, ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड था ना, अगर मेरी वेबसाइट फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड है फिर क्या होगा, मैं हेल्थ लिख दूंगा। आप देखें हेल्थ के ऊपर भी, अब देख लें हेल्थ केयर ब्लॉग पब्लिश दे रहा है, डिजिटल हेल्थ बस दे रहा है, यही काम दे रहे हैं कि भाई आप हमारे लिए लिखें, और 15,000 से ज्यादा वेबसाइट्स हैं जो हमें फ्री में आर्टिकल अपना पब्लिश करने की इजाज़त दे रहे हैं। इसी तरह अगर हेल्थ के अलावा मेरी किसी और चीज़ से रिलेटेड है, फिटनेस से रिलेटेड है, ठीक है, आपने कोई एक्सरसाइज या कोई डाइट से रिलेटेड वेबसाइट रन कर रहे हैं, तो ये देखें फिटनेस से रिलेटेड कितनी सारी हैं, ठीक है। अच्छा फिर कंप्यूटर के अलावा लैपटॉप लिखकर यहाँ सर्च किया जा सकता है, लैपटॉप से रिलेटेड भी वेबसाइट्स हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी हैं, टेक्नोलॉजी लिखकर आप सर्च कर सकते हैं, टेक से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, देखिए 16,000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है। अब भाई अगर आपकी कंप्यूटर की वेबसाइट है तो सिर्फ कंप्यूटर के तो नहीं, टेक्नोलॉजी के भी तो आर्टिकल होंगे ना उसमें, तो टेक्नोलॉजी वाला आर्टिकल ले लें अगर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देखिए 16,000 वेबसाइट है, लेकिन इस चीज में लोग नाकाम क्यों होते हैं इस तरह से बैकलिंक लेने में, कोई मुझे बता सकता है अभी कि व्हाट इज द मेजर रीजन कि लोग नाकाम क्यों हो जाते हैं इस तरह से गेस्ट पोस्टिंग से बैकलिंक लेते हुए? बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं जो उनसे बैकलिंक नहीं लिए जाते हैं, वो एक भी बैकलिंक नहीं ले पाते, बहुत सारे लोग हैं, और इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है नाकाम होने की गेस्ट पोस्ट बैकलिंक लेने इसमें? लो क्वालिटी कंटेंट और प्लेजराइज्ड, ओके, व्हाट एल्स? ठीक है, वैलिड रीजन है ये भी, कम्युनिकेशन फेलियर, ओके बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जल्दी से बताते जाएं जो जो भी आपके जहन में आ रहा है, देर आर मैनी टाइप्स जो भी हमने पढ़नी है, स्टडी करनी है इन डिटेल। कम्युनिकेशन फेलियर हो गया, रेलेवेंसी नहीं होती साइट की, ओके, व्हाई शुड समवन विल अलाउ हिज वेबसाइट ट्रैफिक टू समवन एल्स? भाई वो अलाउ कर रहा है तो हम ले रहे हैं ना, देखना टेक जो टेक रिव्यू साइट्स थी उसने खुद कहा ना कि राइट फॉर मी एंड आई विल गिव यू अ बैक लिंक, तो इट्स मीन ही इज अलाउइंग मी, अगर वो अलाउ कर रहा है तो ही मैं उससे इस बात का, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, ओके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके, अच्छा सबसे वैलिड रीजन तो ये है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, इम्पेशेंट होते हैं, ओके यस, बहुत सारे लोग तो ऐसे, उन्हें ये चीज पता भी नहीं कि ये चीज सर्च कैसे करनी है,
और ये वाकई सच है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और उससे मैंने ये पूछा कि अगर यार मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी वेबसाइट ब्लॉग फ्री पोस्ट दे रहे हैं या नहीं। वो कहते हैं सर इसका हमें कैसे पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि गूगल से इस तरह से सर्च करके साइट्स भी निकाली जा सकते हैं। अच्छा, सबसे मेजर रीजन होती है इम्पेशेंट होना, यानी कि उसने कहा जी मैंने सर 20 लोगों को ईमेल की, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो भाई 20 इज नॉट इनफ, वो समझते हैं कि 20 ने नहीं किया तो कोई भी नहीं करेगा, ठीक है, वो वहीं पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो भाई दिस, अगर ये बिहेवियर होगा आपका तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसका ये मतलब है कि आप में कंसिस्टेंसी नहीं है। कम अज कम मैं ये कहता हूं 1,000 बंदों के साथ आपने कॉन्टैक्ट करना है, मिनिमम 1,000 पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कम्युनिकेशन मैटर्स। सर कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है, अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाउ टू कम्युनिकेट विद द पर्सन जिसके साथ आपको कोई रिलेशन बिल्ड करना है। आपको एक रिलेशन बनाना है ना ताकि आप बैकलिंक ले सकें, तो भाई उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है ये मैटर करती है। तो इसके लिए हम एक अलग से कोर्स कर रहे हैं इंशाल्लाह जस्ट आफ्टर ईद अबाउट कंटेंट राइटिंग। उसमें हम इन डिटेल स्टडी करेंगे कि भाई हाउ टू कम्युनिकेट, अपने क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, न्यूज आर्टिकल कैसे कम्युनिकेट किए जाते हैं, ईमेल पर कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये चीज़ हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। कम्युनिकेशन मैटर करती है, पहले नंबर पर कंसिस्टेंसी, दूसरे नंबर पर कम्युनिकेशन, तीसरे नंबर पर आता है कंटेंट। ये कंटेंट कितना पावरफुल है। अब उसने कहा 600 वर्ड, तो हम लोग क्या करते हैं बस 600 तक की महदूद रहते हैं। नहीं, उसने कहा 600, आप उसे 1200 वर्ड का आर्टिकल दें। उसने कहा एक इमेज, आप दो अच्छी इमेजेस डालें। उसने कहा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, आप उसके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लिखें ताकि उसको आपका आर्टिकल पढ़ते ही फील हो यार मेरे पहले वाले आर्टिकल से अच्छा तो इसने आर्टिकल लिख दिया, तो वो मजबूर हो जाएगा आपको आपके आर्टिकल को पब्लिश करने पर। भाई अगर कोई बंदा मुझे आर्टिकल भेज रहा है जो मुझे लगे बहुत अच्छा आर्टिकल है, डेफिनेटली आई विल पब्लिश। लेकिन अगर मुझे लगे कि बस एवं ही है तो मुझे क्या जरूरत है किसी का ऐसे पब्लिश करने की जिससे मुझे लगे कि मुझे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। फिर चौथी चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलो अप। आप एक दफा ईमेल करके भूल जाते हैं, एक दफा ईमेल की उसने रिप्लाई नहीं किया, 15-20 दिन के बाद दोबारा उसे टच करें, फिर उसने रिप्लाई नहीं किया, 1 महीने के बाद दोबारा टच करें। उसका बेहतरीन हल ये होता है कि एक्सेल की शीट बनाएं और उसमें बकायदा प्रोग्रेस राइट करें कि इस बंदे को मैंने इस डेट को ईमेल की, पहला रिप्लाई नहीं आया, दूसरा नोटिफिकेशन इस डेट को किया, फिर रिप्लाई नहीं आया, तीसरा नोटिफिकेशन इस डेट को किया। कम अज कम 5 नोटिफिकेशन आपने लाजमी भेजने हैं। अगर 5 के बाद भी रिप्लाई नहीं आता तो फिर आप अगले साल 6ठा नोटिफिकेशन भेजें आफ्टर अ ईयर, ठीक है। तो ये जरूरी होता है, ये चीज जहन में रखें। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत इजीली फ्री वाले बैकलिंक मिलना शुरू हो जाएंगे कि जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। बट सर इतना लिखना तो बहुत मुश्किल है, हम कैसे एटलीस्ट 1,000 आर्टिकल सकते हैं जबकि हमें श्योरिटी भी नहीं। नहीं, आपने लिखना नहीं होता, आपने सबसे पहले परमिशन लेनी होती है। देखें आर्टिकल लिख के नहीं भेजना होता, मना सर इसका एक तरीका कार होता है। सबसे पहले आप ईमेल करेंगे, उसे बताएंगे कि जी आपकी वेबसाइट इस चीज के बारे में, मेरी वेबसाइट इस चीज के बारे में, मैं चाहता हूँ कि आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखूं। पहले आपने टॉपिक शेयर करना है, ठीक है, और फिर ये बताएंगे उसमें कि उस टॉपिक में होगा क्या क्या। उस टॉपिक में जी फॉर एग्जाम्पल आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट लिखना है तो आप बताएं कि जी मैं आपके लिए तकरीबन 1500 वर्ड का वेल रिसर्च आर्टिकल लिखूंगा और उसका टॉपिक होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, और उसमें सबसे पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखूंगा, उसके बाद एडवांटेज ऑफ इंटरनेट लिखूंगा जिसमें 10 एडवांटेजेस को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, फिर मैं डिसएडवांटेजेस लिखूंगा, 10 डिसएडवांटेजेस डिटेल में डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखूंगा, तब मैं अपना कंक्लूजन दूंगा। ये उसका स्ट्रक्चर है, ये 4-5 लाइंस आपने बनाकर भेजने। अगर वो एक्सेप्ट करेगा देन यू नीड टू राइट डाउन। और अच्छा, ये एक आर्टिकल एक के ऊपर ही लिख कर नहीं भेज देना, एक आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 बंदों के साथ कॉन्टैक्ट करना है ना, तो 20 आर्टिकल के इस तरह से स्ट्रक्चर बना लें, 20 आर्टिकल के, और ये समझ लें कि हर 50 बंदों को एक ही स्ट्रक्चर भेजना है ईमेल में। उस 50 में से हो सकता है कोई एक दो तीन एक्सेप्ट कर लेंगे,
जो एक्सेप्ट कर लें आप उनके लिए वो आर्टिकल लिख दें। अगर एक ही स्ट्रक्चर दो या दो से ज्यादा बंदों ने एक्सेप्ट कर लिया तो आप उन्हें बताएं कि जी यही आर्टिकल दूसरे ने भी पब्लिश कर दिया, तो मैं आपके लिए इसके बजाय एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट के बजाय एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन लिख देता हूँ, ये भी आपसे रिलेटेड है, या मैं लैपटॉप या मोबाइल के एडवांटेजेस डिस्कस कर देता हूँ, मैं ये डिस्कस कर आपका मोबाइल फोन से रिलेटेड वेबसाइट है, मैं ये बता देता हूँ कि यंग किड्स पर मोबाइल फोन का क्या इफेक्ट है, क्या पॉजिटिविटी है और क्या नेगेटिविटी है, आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपने 5 लाइनें लिखकर उन्हें बुलेट पॉइंट में सेंड करनी होती है और कुछ भी नहीं। जब वो अलाउ कर दें, ओके कर दें, तब आपने आर्टिकल लिखना, वरना नहीं, वरना तो आप वाकई प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल कि 1000 आर्टिकल लिख के बैठ जाओ, पता नहीं वो कोई पब्लिश करे ना करे, ठीक है ना। आर्टिकल बाद में लिखना, पहले परमिशन। क्लियर होगी ये बात? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन इसमें से है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, साइट्स को मेल सेंड करने का सैंपल मेरे पास है पड़ा सर, आप कहें जी। आप एक काम कीजिएगा हुसैन, आप ना मुझे फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा, अगर मुझे लगा कि वो वाकई अच्छा है तो वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, या मैं आपको कह दूंगा कि फिर आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा अपने आईडी से, ठीक है। पहले मुझसे मुझे दिखा दें, अगर वो सैंपल अच्छा है ना, मुझे लगता है कि ठीक लिखा हो आपने, तो मैं आपको अलाउ करूंगा, फिर आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सबके साथ। गुड, ये चीज क्लियर हो गई सर? आर्टिकल लिखने के बाद बैकलिंक मिल जाएगा? जी जी बिल्कुल, आप आर्टिकल लिख के भेजें। अच्छा, ये ना कोई भी नहीं करता, जो वेबसाइट चला रहा होता है ना वो ऐसा नहीं करता। अगर मैं कहूँ कि आप आर्टिकल लिख दो और मैं बैकलिंक दे दूंगा, और आप आर्टिकल भी लिखे मैं पब्लिश भी कर दूं और बैकलिंक ना दूं, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली हम बैकलिंक दे देते हैं। वैसे ये चीज मैं भी प्लान कर रहा हूँ, ईद के बाद हो सकता है मैं भी गेस्ट पोस्ट अलाउ कर दूं, अभी तक मैंने गेस्ट पोस्ट अलाउ नहीं की है। हो सकता है मैं भी कुछ 3-4-5 वेबसाइट ऐसी हैं जिन पर मुझे कंटेंट चाहिए, लिटरली मुझे कंटेंट चाहिए, और कंटेंट लेने का सबसे बेहतरीन हल यही है कि मैं उन्हें गेस्ट पोस्ट अलाउ कर दूं और 1000 वर्ड की लिमिट लगाऊंगा कि मिनिमम 1000 वर्ड का आर्टिकल हो तो आई बी रेडी टू गिव यू अ बैकलिंक एज वेल। सर आर्टिकल सेंड करने के बाद वो इन्फॉर्म करते हैं कि पब्लिश करेंगे कि नहीं, अगर वो ना पब्लिश करें तो वो आर्टिकल किसी और को सेंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर वो आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ, अगर वो कहते हैं कि जी हम नहीं कर सकते ये वाला आर्टिकल, तो आप किसी और को सेंड कर दें, डजंट मैटर। व्हाट अबाउट राइटिंग ऑन फ्री वेबसाइट लाइक medium.com फॉर बैकलिंकिंग? इसको भी हम डिस्कस करते हैं। फ्री साइट राइट फॉर फ्री साइट लाइक medium.com, ये भी हम डिस्कस करते हैं, ये भी मैंने लिख लिया। सर आर्टिकल सेंड करने के लिए वेबसाइट होना जरूरी है? हाँ जी बिल्कुल, वरना बैकलिंक किस चीज का लोगे, वरना बैकलिंक। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि मैं वेबसाइट का बैकलिंक ही नहीं लेना चाहता, लेकिन वैसे ही आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहता हूँ अपने पोर्टफोलियो के लिए, या अपने सोशल मीडिया का लिंक पब्लिश करने के लिए, या अपनी फेसबुक को प्रमोट करने के लिए। हाँ आप ले सकते हो, विदाउट वेबसाइट भी ले सकते हो, लेकिन हम तो ये वेबसाइट को प्रमोशन के लिए ले रहे हैं ना, वेबसाइट के एसईओ के लिए ले रहे हैं, तो उस सूरत में तो आपके पास वेबसाइट होना जरूरी है। आई एम प्रोफेशनल ट्रेंड फॉर कंटेंट राइटिंग सर, आई शैल गिव यू सर्विसेज इन फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लीज गिव मी अपॉर्चुनिटी। मोहम्मद हुसैन, आप मुझे ना फेसबुक पर मैसेज कर दीजिएगा, आई विल डिस्कस विद यू, अगर मुझे लगा कि लोगों को फायदा हो सकता है तो फॉर श्योर वी विल यूज इट। हाँ ओके, गेस्ट पोस्टिंग क्लियर हो गई आपको कि भाई सबसे पहले हमने गूगल पर सर्च करनी है अपने से रिलेटेड वेबसाइट, उनको ईमेल करनी है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, ईमेल में हमने उन्हें स्ट्रक्चर भी देना है कि भाई आपके आर्टिकल में मैं क्या क्या लिखूंगा, और साथ में एक ये लाइन जरूर लिख देनी है कि बदले में मुझे एक बैकलिंक चाहिए, ठीक है, कहीं वो यही ना सोच ले कि मुफ्त में आर्टिकल लिख रहा है बस और उसे कुछ नहीं चाहिए। उसके नीचे एक नोट लिख दीजिएगा कि इन रिटर्न आई नीड अ बैकलिंक फॉर माय वेबसाइट, और अगर आगे अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल देना कि इस वेबसाइट के लिए मुझे बैकलिंक चाहिए, ठीक है, तो आप उसे सेंड करें। और एक चीज अपने जहन में रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो कंसिस्टेंसी,
इफ यू आर नॉट द कंसिस्टेंट, अगर आपने 10 20 30 वेबसाइट को ईमेल करके भूल गए कि भाई कोई नहीं दे रहा और छोड़ देंगे, तो आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम 1000 वेबसाइट को ईमेल ब्लास्ट नहीं करना है। उसके बाद फिर जब ईमेल हो जाएगी तो आपने कम्युनिकेट कैसे कितने अच्छे तरीके से करना है ईमेल पर, ये मैटर करता है। फिर उसके बाद आर्टिकल कितना अच्छा लिख रहे हैं, ये मैटर करता है। अगर ये तीन चीजें आप अच्छे तरीके से कर लें तो गारंटेड आपको कम से कम 20 30 40 60 बैकलिंक इजीली मिल जाएंगे गेस्ट पोस्टिंग से इजीली। पर इनको बोलें कि मुझे लिख दें फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा नहीं, आप ये मुझे सेंड करेंगे ना, डिस्कस करेंगे, तो अगर हमें लगा तो हम इन्हें इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अपना मटेरियल जो भी है जो लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं वो ग्रुप में शेयर करते हैं, तो सबका फायदा हो जाएगा। तो क्लियर होगी ये चीज। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। और गेस्ट पोस्टिंग इज द बेस्ट मेथड टू गेट फ्री बैकलिंक। अच्छा, इसमें फ्री वाला तो हमारा डिस्कस हो गया। अब इसमें पेड बैकलिंक भी होते हैं। अब पेड इस तरह से होते हैं कि जो बहुत अच्छी वेबसाइट्स होती हैं ना वो बैकलिंक बेचती हैं, $50 $60 $100 नॉर्मल रेट होता है, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट का जो इंटरनेट वाला पेज है ना उस पे तकरीबन कमोबेश कोई 100 बंदों ने मुझसे कांटेक्ट कर लिया एंड एवरीवन वाज रेडी टू पे $50-$60-$100 कि इस पेज से मुझे बैकलिंक दे दें। लेकिन मैंने किसी को बैकलिंक नहीं दिया क्योंकि मैं बेचना ही नहीं चाहता था अपनी वेबसाइट पर कोई भी बैकलिंक ना। तो जो अगर मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक अच्छी होगी ना तो मैं इजीली इसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग बेच सकता हूँ। इसका पूरा बिजनेस है फाइबर के ऊपर, फाइबर पर इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। हम देखते हैं जी गेस्ट पोस्ट। और ये देखें 1215 लोग सिर्फ गेस्ट पोस्ट के नाम से सर्विसेज दे रहे हैं कि आई डू गेस्ट पोस्ट ऑन DA72 डू फॉलो बैक लिंक दूंगा जी। ये डेफिनेटली पैसे चार्ज करेगा उसके, ये कहता है जी मैं आपको बैक लिंक दूंगा पैसे। अब देखें ये अच्छे खासे महंगे बिकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट एक हो और उसका ट्रैफिक अच्छी हो, ट्रैफिक, तो आपको बहुत पैसे कमा सकते हैं सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग बेच के, ठीक है। तो हम ओपन करके देखते हैं जी। अब ये देखें ये गेस्ट पोस्ट ओनली पब्लिश करने का 2100 और 500 वर्ड्स आर्टिकल भी लिखकर पब्लिश करेगा तो इतने, और 15 गेस्ट पोस्ट राइट करेगा और पब्लिश करेगा, देखें ये तकरीबन 30,000 रुपये चार्ज कर रहा है, 28,000 रुपये, ठीक है। इसी तरह वो कहते हैं मैं 5 आपको कंटेंट पब्लिश करवाऊंगा तो 32,000 रुपये, वो कहता है 10 लूंगा तो 64,000 रुपये, वो कहता है मैं 20 करूंगा तो 1,00,000 से भी ऊपर पैसे ले रहा है, ठीक है। और इसके पास भी 6 ऑर्डर्स इन क्यू, 6 ऑर्डर क्यू में, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब ये देखें ये एक गेस्ट पोस्ट पब्लिश करने का 6,500 ले रहा है और 272 रिव्यूज हैं, यानी कि कम से कम 500 लोगों को ये सर्विस दे सक चुका है और 12 ऑर्डर अभी क्यू में है, यानी कि 12 लोगों का ये काम अभी करंटली कर रहा है ये बंदा। और स्टैंडर्ड अगर 5 आर्टिकल 10 डू फॉलो बैकलिंक के साथ 35,000, प्रीमियम में 10 आर्टिकल 75,000, तो सोचें ये बंदा कितने पैसे कमा रहा होगा। अगर आपकी वेबसाइट है अच्छी तो आप ट्रैफिक से भी पैसे कमा सकते हैं। और देखें ये भी सोर्स जो है वो नील पटेल से ले रहा है, नील पटेल वही बैक वही है उबर सजेस्ट है। और साथ में आप इसी तरह गेस्ट पोस्ट की सर्विस देके फ्रीलांसर पर या फाइबर पर उससे भी पैसे कमा सकते हैं। तो आपको समझ लगी ये बात। Why I'm not selling? Actually, मेरी services based website है तो मैं services based sites के ऊपर sell नहीं करना चाह रहा। But मेरा plan है in future ना कि मैं इसको initiate करूँगा, क्योंकि मैंने इस तरफ कोई working नहीं की guest posting के लिए ना कभी भी। But I'll do this after it, inshallah। और उसमें मैं free guest post भी रखूँगा और paid वाले guest post भी रखूँगा, दोनों रखूँगा। Clear होगी ये चीज़ जी? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।
चलें जी, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। मुझे एक काम के लिए निकलना है, अभी थोड़ा सा इमरजेंसी है, तो मुझे अब आगे लेक्चर मैं कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा। तो आज के लिए गेस्ट पोस्टिंग हो गई है, आप इसको स्टडी करें, इसके बारे में पढ़ें। अगर मैं कल फ्री हुआ तो कल फिर बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, वरना मैं कोशिश करूंगा ईद से पहले पहले ये लिंक बिल्डिंग वाला ऑफ पेज मैं खत्म कर दूं। ईद के बाद फिर हमारे जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लोकल एसईओ से रिलेटेड होंगे, तो इनशाला ये विद इन अ मंथ मैं ये वाला कोर्स खत्म कर दूंगा एसईओ का, विद इन अ मंथ, शायद 2-3 हफ्ते में ही खत्म कर दूं। ठीक है, तो गेस्ट पोस्टिंग क्या, आई होप आप लोगों को समझ लग गई है। और गेस्ट पोस्टिंग इस वक्त सबसे बेस्ट मेथड है फ्री में अच्छे बैकलिंक लेने का। आप इसी तरह गूगल से अच्छी वेबसाइट्स निकालें, उनके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें, कंसिस्टेंट रहें, फॉलो अप जरूर करें ईमेल्स का। ईमेल का फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 5 दफ़ा फॉलो अप लास्ट में करना, मिनिमम 5 टाइम्स, और उसके साथ अच्छा कंटेंट लिख कर दें, इंशाल्लाह काफ़ी सारा आपका सक्सेस रेशियो रहेगा। मिनिमम 2-3% तक आप सक्सेस रेट ले जा सकते हैं अगर अच्छा कम्युनिकेट करें। हाउ मैनी आर्टिकल्स मिनिमम शुड वी हैव ऑन आर वेबसाइट बिफोर वी रीच आउट फॉर द गेस्ट पोस्ट? देखें, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी वेबसाइट फिल होनी ज़रूरी है फर्स्ट पेज, और आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना ज़रूरी है गूगल से, चाहे 5-10 बंदे क्यों ना आ रहे हो। अगर 5 बंदे भी आपके पास गूगल से आ रहे हैं तो लिंक बिल्डिंग की तरफ आप जा सकते हैं। अगर एक भी क्लिक नहीं है तो फिर लिंक बिल्डिंग की तरफ ना जाएं। फिर इसका मतलब ये कि पहले आप ऑन पेज अच्छी करें, ऑन साइट अच्छी करें, अपनी वेबसाइट को पहले अच्छा करें, फिर आप बैक लिंक की तरफ जाएं। स्टार्ट में बैक लिंक नहीं बनाने चाहिए। सर, पेड स्टूडेंट को एसईओ कोर्स कब कंप्लीट होगा? भाई साथ ही कंप्लीट होगा ना, टेंशन नहीं। आप डिड यू आंसर दिस क्वेश्चन सर? आई एम डिड नॉट गेट इट सर, माई क्वेश्चन इज शुड आई परचेज ओवर सजेस्ट? जी, मैंने ये कहा था कि अगर आप एसईओ की फील्ड में ही रहना चाहते हैं और ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो फिर आपको जरूर परचेज करने चाहिए टूल। विदाउट परचेजिंग टूल आपका काम नहीं चलेगा। ये बिल्कुल है, वैसे ही है, आप कहें कि जी आई वॉन्ट टू बी अ कारपेंटर, मैं कारपेंटर बनना चाहता हूँ, तो क्या मुझे आरी खरीद लेनी चाहिए, क्या थोड़ी खरीद लेनी चाहिए, प्लास खरीद लेना चाहिए? जी बिल्कुल, इफ यू वॉन्ट टू बी अ कारपेंटर, आपके पास ये औजार नहीं होंगे तो आप कभी भी वो चीज़ अच्छे तरीके से कर नहीं सकते। इसी तरह अगर आप ब्लॉगर या एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो एसईओ के टूल लाजमी खरीदें। इफ यू कैन बाय यू मस्ट बाय। क्लियर हो गया सर? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है जी। अगर आप बोथ खरीद सकते हैं तो दोनों खरीदें। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।